नमस्ते, मेरे चंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है, कैसे है? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पांच चीजें मुझे जापान के बारे में अच्छी नहीं लगती। जापान मेरा देश है, मैं जापान को पसंद तो करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो गलत है, सही नहीं है, बदलनी चाहिए। तो इन पांच चीज़ों को आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है? तो शुरू करें। मैं शिंजुकु आ गई हूँ। शिंजुकु तो जापान टोक्यो में सबसे बिजी एरिया है, तो बहुत लोग हैं और थोड़ा खतरनाक जगह भी हैं। खतरनाक मतलब सच्ची में खतरनाक तो नहीं है, जान की खतरा तो थोड़ी है, ठीक है? पर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया जो होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? पीछे देखो, बहुत खतरनाक गोजरा है। मजाक है, मैं गोजरा से डरती नहीं हूँ, मैं गोजरा से डर के जीत सकती हूँ, ठीक है? ये रास्ता छोटा सा साइटसिंग स्पॉट है, विदेशी लोग यहाँ आके गोजरा के साथ फोटोज खींचते हैं। लेकिन ये रास्ता भी ना थोड़ा गंदा है, मतलब पीछे कचरे देखो, रात को यहाँ लोग इकट्ठे करके पार्टी करते हैं। पहुंच गई नंबर वन, जापान के बारे में मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। दुरुम, होस्ट क्लब एंड कैबाकुरा। होस्ट क्लब और कैबाकुरा क्या होता है? होस्ट क्लब में लड़के बैठे हैं और लड़कियां वहां जाके बहुत पैसे खर्च करके शराब पीते हैं और बातें करते हैं, और कैबाकुरा उल्टा है। कैबाकुरा में क्या होता है कि लड़कियां वहां बैठी हैं, शराब देते हैं और लड़के बातें करने के लिए और साथ में मदिरा पीने के लिए पैसे बहुत खर्च करते हैं। वैसे कैबाकुरा तो मैं फिर भी समझ सकती हूँ, अमीर लड़के आदमी सुंदर लड़कियों के साथ बात करने के लिए, ड्रिंक्स पीने के लिए पैसे देते हैं, और मुझे लगता है लड़कियां सच्ची में बहुत सुंदर है। और कैबाकुरा बिजनेस के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बिजनेस के क्लाइंट्स को कैबाकुरा लेके जाते हैं और साथ में बातें करते हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन समझ तो सकती हूँ, अगर पैसे हैं तो ठीक है। लेकिन होस्ट क्लब यानी कि लड़कियों के लिए जो लड़के बैठे हैं, उसी वाली दुकान मुझे और भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ज़्यादा कैसे जैसा होता है कि लड़कियों के पास इतने पैसे नहीं हैं, फिर भी जाते हैं और पैसे कमाने के लिए, जैसे कि फिर कैबाकुरा में काम करती हैं या कोठे वारे पर काम करती है, तो कस्टमर लड़की की ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती है। तो ये मुझे गुस्सा आता है कि अरे पैसे ना हो फिर भी काम करवा के पैसे उड़ा रहे हैं, क्यों ऐसी दुकान में लड़कियां जाके पैसे खर्च करती हैं, मुझे पूरी तरह से नहीं पता। एक तो शायद ऐसी लड़कियां बहुत लोनली होंगी कि कोई दोस्त परिवार नहीं हो, तो एक बार होस्ट क्लब में जाके दोस्त बन गए और प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बॉयफ्रेंड है, तो बार बार आने लगती है। मैं आज तक होस्ट क्लब या कैबाकुरा में नहीं गई, एक बार भी नहीं गई, तो सच्ची बात तो मुझे नहीं पता। लेकिन YouTube पे तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। और आपको कैसा लगता है, ऐसे रास्ते पर ना बहुत सेक्सी लड़कियों की फ़ोटोज़ या लड़कों के ऐसे एडवर्टाइजमेंट, ऐसा लगाना सही है क्या, बताओ? नंबर टू, दूसरी चीज़ जो जापान के बारे में मुझे अच्छी नहीं लगती वो है गैम्बलिंग, पाचिंको। पाचिंको जापान में बेसिकली गैम्बलिंग अलाउड नहीं है, ठीक है? जापान में अभी तक कोई ऑफिशियल काजिनो नहीं बना, और ऑनलाइन काजिनो में खेलना भी मना है। जैसे कि विदेश के वेबसाइट में ऑनलाइन काजिनो है, वो जापान से एक्सेस करेंगे तो वो इलीगल हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ गैम्बलिंग्स जो है वो पता नहीं क्यों अलाउड है, उनमें से एक है पाचिंको। तो ये पाचिंको है ना, थोड़ा मैं अंदर जाके दिखाऊंगी, पता नहीं दिखा पाऊंगी कि नहीं, देखते हैं।
मैं जिंदगी में पहली बार पचेंको की दुकान गई और वापस आ गई तो अंदर बहुत नॉइजी है, शोर है और बहुत लोग है और बहुत मशीन्स है। पता नहीं इन लोगों के पास कैसे इतने सारे समय है, पैसे है खर्च करने के लिए, जिंदगी में करने के लिए कुछ और नहीं है क्या? लेकिन वो तो ठीक है, अपना अपना पसंद है। समय खर्च करने का तरीका, पैसे खर्च करने का तरीका तो इंसान पे निर्भर करता है। मेरे पास ये बात बताने के लिए हक नहीं है। लेकिन बात यह है कि गैम्बलिंग जापान में इलीगल है, ठीक है, लेकिन पचिंको की दुकानें तो हर जगह में है। क्यों? क्योंकि अपने टाइम में आएगा। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, अलग है, अलग बात है, सॉरी सॉरी। क्यों? क्योंकि पचिंको में क्या होता है कि वो जो जीतेंगे तो पैसे नहीं मिलते, कुछ चीज़ें मिलती है, प्रेजेंस मिलती है, ठीक है, और उसी प्रेजेंस को लेकर पैसे एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई इंसान कोई भी गेम पे जीतेगा और पैसे मिलेंगे तो वो गैम्बलिंग है, लेकिन गिफ्ट्स मिलेंगे तो गैम्बलिंग नहीं है। लेकिन वही गिफ्ट जो है वो दुकान के अंदर या दुकान के सामने की कुछ और दुकान में पैसे और प्रेजेंट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये एक लूप होल है पचिंग को चलाने के लिए, और जापान के सरकार भी इसको मतलब स्वीकार करते हैं। तो मुझे लगता है ये बात गलत है, लेकिन जापान में ऑलरेडी बहुत सारे पचिंको की दुकानें हैं, इसको बदलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ऐसे ही चलती रहती है। और ना पचिंको खेलना बहुत पागल है, मतलब जीत नहीं सकते, मशीन पे ना जीत नहीं सकते। मशीन कैलकुलेट करता है कि लोग हमेशा हारेंगे, नहीं तो पचिंको की दुकान पैसे नहीं कमा सकती ना, तो लोग पक्का हारते हैं। फिर भी ये एक एडिक्शन है, एक बार ऐसे जीतेगा तो लगता है हमेशा के लिए जीत सकते हैं और फिर जीत सकते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिकली बोला जाए तो अगर प्ले करते रहें तो पक्का लोग हारेंगे। तीसरी बात जो जापान के बारे में मुझे अच्छी नहीं लगती वो है टैक्सी बहुत महंगी है, बहुत, और ऑफ कोर्स ऑटो भी नहीं है। जापान में ऑटो होना चाहिए, पर चलो ठीक है। टैक्सी प्राइस शुरू होता है 420 येन से, यानी कि लगभग 240 रुपए। अगर आपको 15 किलोमीटर के लिए टैक्सी में बैठना है तो लगभग 5000 येन लगते हैं, यानी कि लगभग 3000 रुपए। क्यों महंगी है? क्योंकि जापान में उबर या ओला जैसा एप्लीकेशन नहीं है, बस ट्रेडिशनल पारंपरिक टैक्सी कंपनीज हैं या कुछ इंडिविजुअल टैक्सी ड्राइवर्स हैं बस। क्यों? क्योंकि जापान में टैक्सी ड्राइव करने के लिए कुछ अलग टाइप का लाइसेंस होना चाहिए, तो बाकी नॉर्मल इंसान लोगों के पास वो जो ड्राइवर लाइसेंस नहीं है ना, टैक्सी ड्राइवर लाइसेंस, तो एप्लीकेशन अगर हो तो फिर भी ड्राइवर्स तो नहीं होगा। तो इसको सुधारने के लिए जापानी सरकार को कानून बदलना चाहिए होता है, लेकिन वो भी मुश्किल है क्योंकि पारंपरिक टैक्सी कंपनीज तो ऑफ कोर्स ऐसे कानून से अगेंस्ट है ना, क्योंकि कॉम्पिटिटर तो नहीं चाहिए। तो सरकार को प्रेशर लगा के कानून को ना बदलने के लिए कोशिश करती हैं, और ऑफ कोर्स कानून बदलना भी एक बहुत बड़ी बात है, मुश्किल है। और ये भी सच है कि ऑफ कोर्स ड्राइव करेंगे, गाड़ी चलाएंगे तो जिंदगी का जिम्मेदारी लेना चाहिए, है ना, तो वो भी बात है। तो ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए जापान में लोग ज़्यादा ट्रेन पे चलते हैं और बहुत पैदल भी चलते हैं, उसकी वजह से हेल्दी भी है, सेहत के लिए तो अच्छा है। पर हाँ, मुझे कभी कभी लगता है काश इंडिया जैसे ऑटो है, टैक्सी एप्लीकेशन है तो ज़िंदगी ज़्यादा आसान होगा। हेलो नंबर 4, ये कोई चीज़ नहीं है, सोचने का तरीका है कि जापानीज लोग ज़्यादा ऐसे सोचते हैं कि सबको एक जैसा होना चाहिए, सेम काम करना चाहिए। जापान ये एजुकेशन की वजह से है, बचपन से ऐसे सिखाया जाता है कि सिचुएशन को जानो, दूसरे इंसान क्या सोचते हैं वो जानने की कोशिश करो, और बाकी लोग जो कर रहे हैं उनको फॉलो करो, ऐसे सिखाया जाता है। तो बड़े होने के बाद भी कभी कभी ऐसा है कि बाकी लोग ऐसे कर रहे हैं इसलिए मुझे भी ऐसा करना चाहिए, ये सोच बहुत है जापानीज लोगों के दिमाग पे।
और बाकी लोग क्या सोचते हैं इसको जानना तो ज़रूरी है कि सब हम सोसाइटी में रहते हैं तो अगर सब लोग अपना अपना सेल्फिश काम करते हैं तो अच्छी बात तो नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन बात यह है कि जो बाकी लोग कर रहे हैं ना वो पता नहीं वो सही है कि नहीं, गलत भी हो सकता है। सब लोग कर रहे हैं इसका मतलब सही बात है ऐसा नहीं है, गलत भी हो सकता है। तो इसकी वजह से ना कभी कभी सब लोग इकट्ठे होकर सब लोग बुरी काम करते हैं। ये उदाहरण देना थोड़ा मुश्किल है, बस सिंपल सी चीज़ है। जैसे कि मैं डांस स्कूल में डांस सीखती हूँ, ठीक है, तो उस समय अगर बाकी लोग सवाल नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सवाल उठाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे क्या बताऊँ, ऐसा सोच है। और मुझे लगता है इसकी वजह से ना यूनिक इंसान कम है जापान में, सब एक जैसे, कुछ ना कुछ एक जैसे हो जाता है। इंडिया में भी ऐसा सोच तो चलता है, बाकी लोग क्या सोचेंगे ऐसे टाइप का सोच, पर क्या होता है कि इंडिया में बहुत तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की भाषाएं बोली जाती है, संस्कृति भी स्टेट्स के अनुसार कुछ फ़र्क है, तो सब लोग एक जैसे नहीं हैं। तो मुझे लगता है लोग ज़्यादा सोचते हैं कि फ़र्क है तो फिर भी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जापान में एक भाषा ही है, सब लोग टेक्निकली द सेम एथनिसिटी, तो थोड़ा यूनिक होना अजीब माना जाता है। तो ये बात मुझे लगता है मैं इंडिया जाके ना यूनिक होना सीखा है, यूनिक होने का हिम्मत लिया है। ज़बरदस्ती पे एक यूनिक इंसान हो जाती हूँ क्योंकि मैं तो विदेशी हूँ ना, तो ये मजबूरी है कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ। तो जापान वापस आने के बाद भी बाकी लोगों से कुछ अलग काम करने में कोई संकोच नहीं करती, तो ये अच्छी बात है। आखिर नंबर 5, मुझे लगता है जापान में बदलाव लेना थोड़ा मुश्किल है, स्लो चलता है, नई चीज़ ज़्यादा स्वीकार नहीं करते, तो पुरानी चीज़ें हमेशा रह जाती है। जैसे कि कैश, जापान में अभी भी कैश ओनली की दुकान है, मोबाइल माने क्रेडिट कार्ड को स्वीकार नहीं करते हैं। अरे इंडिया में तो सब्जी वाले ये सब छोटी छोटी दुकानें भी मोबाइल माने स्वीकार करते हैं ना। दूसरी ऐसी चीज़ है स्टैंप, पुराने ज़माने से जापानी लोग स्टैंप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्यों चाहिए, सिग्नेचर भी करते हैं, स्टैंप भी लगाते हैं, स्टैंप की ज़रूरी है क्या। ऐसे आजकल जापानी सरकार ने घोषित किया था कि स्टंप आज के बाद ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ऐसे, लेकिन अभी भी कुछ डॉक्यूमेंट्स में स्टंप लगाना चाहिए होता है। Why Japanese people? तो कभी कभी जापानीज लोग इफिशियंसी से ज़्यादा कस्टम जो पुराने जमा से ऐसे करते हैं इसलिए ऐसे करते रहेंगे ऐसा मेंटलिटी है, तो वो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता। इसका दूसरा कारण ये है कि जापान में बूढ़े लोग बहुत हैं, तो बूढ़े लोग ज़्यादा नई चीज़ों को स्वीकार नहीं करते, पर जवान लोग तो फटाफट कोई भी चीज़ भी स्वीकार करते हैं ना, ऐसा है। बस आपको कैसा लगा ये सब सुन के, ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको ये बात कैसी लगी, और ये भी बताएं कि अगले वीडियो में मैं किस के ऊपर चर्चा करूँगी, ठीक है। तो मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है ना, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे, मतने बाय बाय।